ने मऊरानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एआरपी को 2000 रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम निरीक्षक प्रेम कुमार ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय ग्राम मांडवा सहायक अध्यापक पुष्पेन सिंह ने 27 जून को एंटी करप्शन कार्यालय झांसी में शिकायत दर्ज कराकर बताया था कि मऊरानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत एआरपी गजेंद्र कुमार ने परीक्षा में लगाई गई ड्यूटी को काटने के नाम पर 5000 की मांग की थी, जिसमें 2000 देना तय हुआ था। उक्त रिश्वत 2000 देना 29 जून को तय हुआ था। शिकायत मिलने पर प्रेम कुमार निरीक्षक के नेतृत्व में एंटी करप्शन टीम सक्रिय हुई एवं खंड शिक्षा अधिकारी मऊरानीपुर कार्यालय से 2000 रिश्वत लेने के दौरान आरोपी एआरपी गजेंद्र कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर 8 सदस्यीय एंटी करप्शन टीम थाना मऊरानीपुर पहुंची एवं रिपोर्ट दर्ज कराकर आरोपी को थाना मऊरानीपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। पुष्पेन सिंह मेरी शिकायत ये थी कि जो बोर्ड परीक्षाएं ड्यूटी लगाई थी गई थी उसका एक नोटिस जारी किया गया था खंड शिक्षा की महोदय के द्वारा, तो उसके एवज में कि कोई कार्रवाई ना हो पाए आप इसके एवज में उससे पैसे मांगे गए थे और पैसा लेना बीआरसी मऊरानी को एक गेट के सामने तय हुआ। और आप किस पद पर हैं? हम सहायक अध्यापक। कि कहाँ पर तैनात हैं? हम प्राथमिक विद्यालय मरवा में तैनात हैं और हमारा ये जो मार्गदर्शन है हमने मार्गदर्शन लिया विजय पटेल युद्धा 1700। बीआरसी के बाबू ने आपसे कितने पैसे की डिमांड की? 5000 रुपये की डिमांड की थी लेकिन बाद में 2000 रुपये लेना तय हुआ था। कर्ता पुष्पेंद्र सिंह जो सहायक अध्यापक हैं यहाँ मड़वा के प्राथमिक विद्यालय के, इन्होंने दिनांक 27/6/2022 को एंटी करप्शन कार्यालय झांसी में जाकर इस बात की शिकायत की कि जो है वो एआरपी श्री गजेंद्र बाबू जो है मेरी परीक्षा ड्यूटी लगाई गई थी उसमें निर्गत नोटिस को समाप्त करने के एवज में पहले 5000 रुपये की डिमांड की और 2000 रुपये लेने की बात 29 तारीख को कार्यालय के सामने बीएसएसआर कार्यालय में लेना तय हुआ है, जिसके क्रम में भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई की टीम जो निर्धारित हुई थी उसके साथ वहाँ कार्यालय के अगल बगल लगकर के गजेंद्र कुमार को रिश्वत 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए वहाँ से गिरफ्तार किया गया।